हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हर महीने की शुरुआत में कुछ न कुछ रूल्स में बदलाव होता है। ऐसे ही सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर मंथ से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ रूल्स बदलने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि व्हाट आर दीज रूल्स। सो फर्स्ट जो रूल चेंज होने वाला है, दैट इज ओटीपी रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कार्ड जारीकर्ता को कार्ड होल्डर से वन टाइम पासवर्ड बेस्ड कंसेंट लेना होगा। कार्ड इश्यू करने के 30 दिन से ज्यादा समय तक अगर कार्ड होल्डर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो कार्ड जारीकर्ता यानी कार्ड इश्यूअर को कस्टमर से पूछकर 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा। सेकेंड है क्रेडिट कार्ड लिमिट अप्रूवल। कार्ड इश्यूअर बिना कार्ड होल्डर से पूछे कार्ड लिमिट की सीमा को नहीं बढ़ा सकेंगे। यानी लिमिट में बदलाव करने को लेकर 1 अक्टूबर से कस्टमर्स को कार्ड जारीकर्ता की तरफ से जानकारी देनी होगी और कस्टमर से रिटर्न परमिशन भी इसके लिए लेनी होगी। थर्ड है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अकॉर्डिंग अनपेड चार्जेस, लेवी, टैक्सेस फॉर चार्जिंग, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जा सकेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो क्रेडिट कार्ड के ब्याज के जाल में कस्टमर्स ना फंसे, इसलिए कंपनियां 1 अक्टूबर से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बिलों पर नहीं लगा पाएंगी। ये 3 रूल्स से जो चेंज हो रहे हैं, इनके अलावा 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन रूल भी शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक, आप कार्ड की डिटेल डाले बिना ऑनलाइन शॉपिंग अब कर सकेंगे। अब तक आप किसी पोर्टल से कुछ सामान मंगाते हैं तो आपको कार्ड की डिटेल्स भरनी होती हैं, अब से ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्ड डिटेल को एक यूनिक कोड या टोकन में बदल दिया जाएगा। जब आप कहीं कार्ड पेमेंट प्रोसेस करते हैं तो इजी और फास्ट पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए वो मर्चेंट प्लेटफॉर्म आपके कार्ड की डिटेल्स, जैसे कि आपके कार्ड का नंबर, आपका जो CVV है और जो एक्सपायरी डेट वगैरह है, उसको सेव कर लेता है अपने पास। ये पूरा उसके डेटाबेस पर सेव हो जाता है। अब तक यही होता रहा है, लेकिन आपके वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से ये सेफ प्रैक्टिस नहीं है। अगर उस वेबसाइट या प्लेटफॉर्म या मर्चेंट का डेटा हैक होता है तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है। इसीलिए RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन का ऑप्शन ये लेकर आई है। इस नियम के तहत जब आप कार्ड पेमेंट करेंगे तो मर्चेंट आपकी कार्ड डिटेल सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने कार्ड के लिए टोकन तैयार कर लिया है। मर्चेंट के पास यही अब टोकन जाएगा, आपका पूरा डेटा लीक नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो 1 अक्टूबर से चेंज होने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये अब ज़्यादा सुरक्षित प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा सेफ प्रैक्टिस होगी जो 1 अक्टूबर से जारी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए डू सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।